Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me in today. और as you know, आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे favorite YouTubers के बारे में. Being a content creator, I'm always on YouTube. But before being a content creator, I was a great YouTube viewer. और इतने सारे वीडियोस देखने के बाद ही मुझे भी मन हो गया कि चलो मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करती हूँ. सो टुडे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर यू माय सीक्रेट यूट्यूबर्स हुम आई लव, फ्रॉम हुम आई गेट इंस्पायर्ड, जिससे थोड़ा थोड़ा मैं जेलस फील करती हूँ. मैं हर तरह के यूट्यूबर्स के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ. देर आर सो मैनी, इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू चूज 5 फ्रॉम देम. मेरा सब्सक्रिप्शन लिस्ट बहुत बड़ा है, बट दिस आर द टॉप 5 यूट्यूबर्स आई लव द मोस्ट. आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर देम विथ यू एज वेल, बिकॉज आई फील दैट यू ऑल्सो शुड बी फॉलोइंग देम. सो नाउ लेट्स गेट इन टू इट. यूट्यूबर जिसको मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ और मैंने रिसेंट से स्टार्ट किया है एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हर रेगुलरली, मतलब कभी भी मैं उसके वीडियोस मिस नहीं करती हूँ और पूरे मन से देखती हूँ. नोबडी इज फोर्सिंग मी टू, एंड दैट इज रुजुता दिवेकर ऑफिशियल. सबसे पहले रुजुता जो है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है. मैं उसको कैसे जानती हूँ, शीज करीना कपूर की डाइटिशियन और करीना कपूर को उसने जीरो फिगर दिलवाने में हेल्प किया था, लिटिल चबी वन. तो आई वॉन्ट टू लूज वेट और इसीलिए मैं उनके वीडियोज देखती हूँ. बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट हर चैनल इज दैट शी ऑलवेज एनकरेजेस अस टू ईट लोकल एंड थिंक ग्लोबल. सो जो घर के जो घरेलू मील्स होते हैं उसको खाकर भी हम कैसे पतले हो सकते हैं, आई लव द मोस्ट. एंड दैट इज वाई ऑन माई चैनल, अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं कभी भी ज्यादा फैंसी आइटम्स घर पे नहीं बनाती हूँ. मैं हमेशा घर पे देसी और लोकल चीजें ही बनाती हूँ. दैट इज बिकॉज आई एम हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रुजुता दिवेकर. एंड इवन दो आई मे नॉट बी एबल टू फॉलो एवरीथिंग व्हाट एवर शी इज सेइंग, बट आई कैन से कि उसका सुन सुन के मैं एटलीस्ट 60% तो फॉलो करती हूँ. और अभी तक मुझे काफी सारे ऐसे डाइटिशियंस होते हैं जैसे सात्विक मोमेंट वगैरह सब, जिनका एक बार देख के आप थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बट वापस कहीं ना कहीं आपको उनके ऐसे भी वीडियोस देखने मिलते हैं जहां पे किसी ने उनको रॉन्ग साबित किया हुआ है. सो रुजुता दिवेकर के बारे में अब तक मेरे को ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है. एंड वॉट एवर शी हैज सेड, आई हैव सीन रिजल्ट्स इन मी एज वेल. मैंने उनके डाइट फॉलो करने के बाद अपना वेट लॉस भी देखा है. सो दैट इज व्हाई आई लव हर द मोस्ट. सो आज मैं जो भी यूट्यूबर्स के बारे में बताने वाली हूँ उनके लिंक मैं नीचे डालने वाली हूँ, सो डू चेक देम आउट वंस. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज द यूट्यूबर विच हाईली इन्फ्लुएंस्ड मी टू स्टार्ट माई ओन यूट्यूब चैनल, और जिस YouTube videos देख देख के मेरे को YouTube से प्यार हो गया and I got addicted to YouTube is Emily Norris and she's from UK और उसके भी 3 बच्चे हैं and now she is mom to a puppy as well. So what I like the most about is that जब उनका third बेटा हुआ था Jackson, तभी ही मेरे को हीट हुआ था 4 महीने के गैप में. सो आई यूज टू रेगुलरली वॉच हर वीडियोज. उसने पूरा पेरेंटिंग के ऊपर वीडियोज बनाया हुआ है. हर चैनल इज वेरी सिमिलर टू माइन और मेरे काफी सारे वीडियोज जो है उनसे हाईली इंस्पायर्ड है, बिकॉज आई वॉच्ड हर चैनल, आई गॉट मोटिवेटेड, आई फेल्ट गुड. सो आई थॉट आई ऑल्सो मेक सम कॉन्टेंट विच विल हेल्प अदर्स एंड विच विल हेल्प देम इन देयर पेरेंटिंग जर्नी. सो मेरी चैनल उनसे काफी हाईली इन्फ्लुएंस्ड है. सो उनके चैनल पे मुझे जो अच्छा लगता है वो है एमिली की स्माइल. That is highly infectious और she's a very common lady. She's a great homemaker and I really love watching her cleaning videos also. So इस वजह से मैं देखती हूँ. अब मैं इतना regular नहीं हूँ because I have become a content creator and I have to watch so many people to keep track like what others are doing. But yes, Emily Norris is the one जिसने मेरे को motivate किया था और जिसके
वजह से मैंने अपनी चैनल स्टार्ट की। वैसे सिर्फ एमिली नॉरिस नहीं कह सकते, दुबई में एक और है, लाइफ इज ब्यूटिफुल, शी इज नॉट इन टू माई टॉप 5 लिस्ट बट आई वॉन्ट से दैट शी इज बैड, शी इज टू गुड। वो भी दो बच्चों की माँ है, ट्विंस बच्चों की माँ है, एंड शी स्टार्टेड एंड शी मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट एडिटिंग ऑन फिल्मोरा गो, और वो वीडियो मैंने देखा था एंड दैट इज वेन आई डिसाइडेड ओके इफ इट इज सो इजी टू एडिट द वीडियोज आई ऑल्सो स्टार्ट व्लॉगिंग। और एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में वीडियोज बनाना शुरू किया था, नॉट एग्जैक्टली इन लॉकडाउन, मैंने एक्चुअली लॉकडाउन से पहले एक वीडियो शूट कर लिया था, फिल्म कर लिया था, बट एडिटिंग में मेरा हाथ नहीं जम रहा था, और तब जाके मैंने उसका वीडियो देखा और फिर मैंने मोबाइल एडिटिंग से स्टार्ट किया एंड देन ग्रेजुअली आई शिफ्टेड टू लैपटॉप एडिटिंग। सो खैर दिस वॉज माई जर्नी, बट येस एमिली नॉरिस इज द पर्सन जिसके वीडियोज देख देख के मैं हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ एंड आई रियली लव हर चैनल। उसी कैटेगरी में एक और है और वो है कैच लाइफ विद भूमि, उसके वीडियोस मैं रिसेंटली देखना शुरू कर रही हूँ, शुरू किया है लास्ट 2 इयर्स से मैंने उनको ट्रैक किया हुआ है। लाइक शी इज ऑल्सो टीचर लाइक मी, वो अपने टाइम पे एक टीचर थी एंड उसके बाद अभी वो होम मेकर हो गई है एंड शी शोज उनके चैनल पे जो पूरा स्टफ है वो भी होम मेकिंग का ही है बट शी इज मोर इन टू ऑर्गेनाइजिंग एंड डेकोरेशन। तो आई रियली एडमायर हर बिकॉज यू नो वो इतनी आई मीन शी इज टू टैलेंटेड यार। वो सबसे पहले वो होम मेकर तो है ही, शी वॉज अ टीचर, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग, एंड शी डज सो मेनी थिंग्स, वो सूइंग कर लेती है और वो डेकोरेशन कर लेती है, घर का पेंट कर लेते हैं। आई मीन जब भी मेरे को थोड़ा सा डीमोटिवेशन सा फील होता है आई वॉच हर चैनल एंड इंस्टेंटली गेट मोटिवेटेड, लाइक लुक एट दिस लेडी, शी इज एबल टू डू सो मच स्टफ, व्हाई एम आई सो लेजी, और मेरे को इंस्टेंट मोटिवेशन आता है और मैं करती हूँ। सो आई लाइक हर चैनल ऑल्सो द मोस्ट। सो ये थे मेरे कॉमन ब्लॉगर्स, देयर आर सो मेनी ब्लॉगर्स, आई कैन गिव अ लिस्ट ऑन दैट। सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर आप पूछो तो मैं आपको बहुत सारे ब्लॉगर्स के नाम दिखाऊंगी, कभी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट टुडेज video is not that, today's video is about the top 5 youtubers I love the most. So sabse pehle thi Rujuta Divekar official, I'm in love with that lady, aur second hai Emily Norris jinhone mujhe inspire kiya youtube videos banane ke liye. थर्ड ऑन द लिस्ट इज फिटट्यूबर। अब फिटट्यूबर की मैं बहुत पुराने सब्सक्राइबर हूँ, बहुत पहले से मैं उनके वीडियोस देखती हूँ। मैंने उनके वीडियोस देखना तब से स्टार्ट किया जब उन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए उनके ऊपर वीडियोस बनाए थे। दैट इज़ वेर आई स्टार्टेड लविंग हिज वीडियोस, और फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे उनके, कौन सा घी खाना चाहिए, कौन सा घी नहीं खाना चाहिए, और यू नो उनके बहुत सारे ऐसे शैम्पूज कौन से यूज़ करने चाहिए नहीं करने चाहिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे। रिसेंट में उन्होंने 15 मिनट योगा का एक वीडियो डाला था, दैट ऑल्सो आई लव द मोस्ट, और मैंने उसको इतनी बार देखा था क्योंकि मैं वो देख देख के अपना खुद का योगा करती थी। उन्होंने 15 मिनट का कपालभाति वाला वीडियो डाला था। सो व्हाट आई लव अबाउट हिज चैनल इज दैट ही इज शोइंग थिंग्स अबाउट फिटनेस, लेकिन ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ पल्की मसल्स और समथिंग लाइक यू नो। एक और है यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट, एंड मैनी पीपल लव हिज चैनल बट आई हैव नेवर सीन दैट, तो मेरे को नहीं पता है, मेरा कभी क्लिक नहीं हुआ वो उस चैनल के साथ। एक दो वीडियोज देखे हैं मैंने बट कहते ना कभी किसी के साथ क्लिक नहीं होता है, भले सब देखते हैं पर मैंने नहीं देखा है, तो उसकी चैनल मैं नहीं देखती हूँ फ्लाइंग बीस्ट की, बट आई डू वॉच फिटट्यूबर। द रीजन इज कि ही इज लाइक कॉमन पर्सन लाइक अस, जिसके कोई बल्की मसल्स या कोई यू नो इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी नहीं है, जस्ट हमारे जैसी बॉडी है, एंड ही ऑल्सो गिव्स लॉट ऑफ टिप्स ऑन हाउ टू मेंटेन अवर बॉडी द नेचुरल वे डूइंग योगा एंड सच स्टफ। सो मेरे को इसीलिए उसकी चैनल बहुत ज्यादा पसंद है। और अब बात करते हैं कुकिंग चैनल की, तो हम सब जब ब्लॉग्स देखते हैं तो हम एक कुकिंग चैनल भी अपनी फेवरेट बना के रखते हैं। सो कुकिंग चैनल में मेरी सबसे फेवरेट है हेबार्स, द रीजन आई लव हेबार्स। हेबार्स की प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी उसकी रेसिपीज करेक्ट नहीं होती है, कभी कभी पूरी मिजरेबल रेसिपी होती है। मैं उसकी अगर चैनल फॉलो करती हूँ और उसकी रेसिपी मैं अगर फॉलो करती हूँ तो पूरा डिजास्टर होता है, मेरे को पता चलता है कि इसने गलत किया है। स्टिल समहाउ आई डोंट नो आई एम स्टिल सो एडिक्टेड टू वॉच हर वीडियोज ओनली, क्योंकि द बेस्ट थिंग अबाउट हर वीडियोज इज इट इज जस्ट अ मिनट शॉर्ट वीडियो,
एक मिनट में उसकी रेसिपी बन जाती है. सो आई एम यू नो ऑलवेज इन शॉर्ट ऑफ टाइम, और कभी कभी तो मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह एक यू नो कोई चीज़ लिख के रेसिपी ढूंढती हूँ कि ये कैसे फटाफट बन सकती है मेरे बच्चे के लिए टिफिन में. तो हमेशा मैं एक मिनट वाले वीडियो से स्टार्ट करती हूँ, और हेबार्स किचन का जो है सारे वीडियोस एक या दो मिनट के होते हैं और उसमें उसकी रेसिपी वाइंड अप हो जाती है. मोस्टली उसकी सारी रेसिपीज परफेक्ट ही होती है, एक दो रेसिपीज ऐसी है जो उसकी गलत थी, बट अदरवाइज शी इज वेरी परफेक्ट. कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, कोई एक्स्ट्रा म्यूजिक नहीं, कोई एक्स्ट्रा बड़बड़ नहीं, कुछ नहीं. ऑन पॉइंट उसकी रेसिपीज होती है, एंड दैट इज वाई आई लव वॉचिंग हर यूट्यूब, एंड दैट इज वाई आई लव वॉचिंग हर कुकिंग वीडियोस. लास्ट ऑन द लिस्ट इज हैमी मॉमी व्लॉग, और ये है साउथ कोरिया से. ये भी अपने मिड 30s में है, सो शी इज सेम ऑफ माई एज, और उसका भी 4 साल का बच्चा है. इसकी चैनल देख के मेरे को यू नो बहुत मजा आता है, बहुत रिलैक्सिंग है. ये भी अपने इसमें व्लॉग्स ही डालती है, बट इसका जो व्लॉग्स दिखाने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है. दिस इज समथिंग नन ऑफ इंडियंस डू, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है इसके वीडियोस देखना. और आई ट्राई अ लॉट टू फिल्म इन अ वे शी डज, बट मेरे से नहीं हो पाता उतना. और उनके जो एंगल्स होते हैं कैमरा के बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करते हैं. आई फील एज इफ शी इज नॉट अ हाउस वाइफ, आई फील एज इफ उनका कोई फिल्मिंग में कोई करियर था जो उन्होंने छोड़ के अब वो ये हाउस वाइफ का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने घर को बताती है, जिस तरीके से वो अपने सारे काम को बताती है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं. ऐसे तो अपनी मूवीज में भी नहीं दिखता है कभी कभी, इसलिए मेरे को उसकी चैनल देखना बहुत पसंद है. उससे मैं थोड़ा थोड़ा जलती भी हूँ कि कैसे वो इतने अच्छे से मैनेज कर पाती है. बट शी हैज़ अ ब्यूटिफुल फैमिली, और वो अपना चेहरा बहुत कम दिखाती है अपने वीडियोज में, यूजली वो अपना काम बताती है. शी गेट्स लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, सो मोस्टली अगर उनके वीडियोज देखोगे तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज ही करती है. सो इट इज समथिंग माई इंटरेस्ट, चाहे आप पता नहीं आपको वो इंटरेस्ट करे या ना करे. सो उनका कोई भी ब्लॉग उठा के देख लो तो इधर शी इज स्पॉन्सरिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, और शी इज यू नो एडवर्टाइजिंग सम प्रोटीन पाउडर और समथिंग. बट जिस तरीके से वो अपने वीडियोस को दिखाती है, यू कैन जस्ट नॉन स्टॉप कीप ऑन वॉचिंग. बहुत ही सेटिस्फाइंग, रिलैक्सिंग, और बहुत ही मज़ा आता है उनके वीडियोस देखने का. सो इस तरह के और भी 2-3 लोग हैं जिनके मैं साउथ कोरिया से वीडियोस देखती हूँ, बट हैमी मॉमी इज माय फेवरेट, क्योंकि मुझे उनकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत पसंद है. सो यस, दिस आर ऑल माय यूट्यूबर्स जिनको मैं देखती हूँ, जिनको मैं देखना पसंद करती हूँ. और सिर्फ इतने ही यूट्यूबर्स नहीं है, मैंने कहा ये तो सिर्फ टॉप 5 है. बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखती हूँ, अपने इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मैं. दुबई में भी बहुत सारे हैं, उनको भी देखती हूँ मैं. तो ऐसे कोई चैनल नहीं होगी शायद जो मैंने नहीं देखी होगी, मैंने हर कोई चैनल देखी हुई है. बस मेरे इंटरेस्ट की बात है कि अगर मेरे को इंटरेस्ट हुआ तो फिर मैं बार बार उनके चैनल पे जाती हूँ, अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं हुआ, अगर वो मेरे से क्लिक नहीं हुए. कभी कभी किसी का वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन जस्ट क्लिक ही नहीं करता है तो हम नहीं देखते उनके वीडियोस. तो ऐसे भी बहुत सारे हैं. अगर आपको जानना है कि मैं और कौन कौन से व्यूवर्स को, ब्लॉगर्स को देखती हूँ, कौन से ब्लॉगर्स मेरे को इरिटेट करते हैं, कौन से ब्लॉगर्स को मेरे को देखने में मज़ा आता है, डेली ब्लॉग्स किसका पसंद करती हूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं इस तरह का वीडियो मैं वापस बना लूँगी. आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस. मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको फिल्म करने में, अपने सारे सीक्रेट शेयर करने में. एंड ऑल्सो लेट मी नो विच आर योर फेवरेट यूट्यूबर्स इन द कमेंट सेक्शन. आई वॉन्ट 5 यूट्यूबर्स, योर 5 फेवरेट यूट्यूबर्स, एंड आई डेफिनेटली गो एंड चेक आउट देयर चैनल एज वेल. इसी के साथ अब मैं मिलूंगी अगली बार. टिल देन बाय, टेक केयर, सी.